दोस्तों अभी आप लोग जो वॉइस सुन रहे हो भाई, इस फोन से रिकॉर्ड की गई है और आप लोग भी कुछ इसी प्रकार की वॉइस अपने फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या 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 बैतलो बैतलो क्या 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 मैं नहीं बताऊंगा। देखो ऐसे काफी लोग जो चाहते अपने ऑडियंस को बेहतर से बेहतर वॉइस प्रदान करना, अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली जो है वॉइस देना, बट उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है जो कि दोस्तों वो अच्छा से अच्छा माइक ले सके जिससे कि अपने ऑडियंस को बेस्ट क्वालिटी की वॉइस प्रदान कर सकें। और भाई यूट्यूब पर चलता भी है, अगर आप लोगों की वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भाई कहीं तक चल जाएगी, और अगर आप लोगों को जो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लगती है ना, तो भाई ऑडियंस रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई आज के डेट पर लाखों यूट्यूबर हैं आपके जैसे, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ वॉइस ही नहीं अच्छी सुनाई देगी तो भाई ऑडियंस रुके क्यों, ठीक है। अगर मैं ऐसी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी आवाज जो है कुछ प्रकार से आ रही है तो आपको ऐसा बोरिंग टाइप में लग रहा होगा, और यही मैं अगर माइक लगा लेता हूँ तो हाँ आपको अच्छे तरीके से लग रहा होगा, अच्छे से अच्छी वॉइस आपके पास आ रही है तो आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। हमारा और आपका जो कॉम्बिनेशन है ना वो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने फोन से, अगर आप लोगों के पास फोन है तो भाई आप लोग फोन से बेहतर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, या फिर आप लोग वॉइस ओवर के लिए, या फिर आप लोग फेस कैम वीडियोज क्यों ना बनाते हो। और हाँ, काफी लोग जो भाई कॉमेडी टाइप की वीडियोज बनाते हैं, मीन्स जैसे अमित भान लोग जैसे बनाते हैं, मतलब कि स्टोरी टाइप की वीडियो, ठीक है। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है शुरुआती में कि भाई वो एक वायरलेस माइक ले सकें, ठीक है, जिससे कि दोस्तों अच्छी से अच्छी प्रोफेशनल जो है वॉइस क्वालिटी वॉइस रिकॉर्ड कर सकें। तो वो लोग भी भाई आप फोन से जो है वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ, कल के जो विनर है आप लोग साइड पर देख सकते हैं, जाकर के भाई को फुल सपोर्ट करेंगे, इनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग प्रमोशन कराना चाहते तो सिंपल से आप लोग फर्स्ट कमेंट कर देना होता है, या फिर आप लोग को वीडियो में कोड मिलता है उस कोड को कमेंट कर दीजिएगा, देन आपके चैनल का प्रमोशन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, तो बने जाएगा वीडियो के तक, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखो वॉइस को रिकॉर्ड करने के काफी सारे एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, काफी सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि काफी लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट दोस्तों मेरे जो इस वाले फोन का मतलब कि जो वॉइस रिकॉर्डर है ना वो अच्छा है, ठीक है। अगर आपके फोन में अच्छा नहीं है तो भाई आप लोग एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। वो भी आप लोगों को बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट होता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को बता ही देता हूँ कि भाई वो कौन सा एप्लीकेशन जो दोस्तों मैं पर्सनली यूज करता था, क्योंकि अभी तो मैं यूज नहीं करता हूँ, बट वो एप्लीकेशन अच्छा ही था। देखो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को बताऊँ कि मोबाइल से आप लोगों को कैसे वॉइस को रिकॉर्ड करना है। देखो उस एप्लीकेशन का नाम है REC4G, ठीक है। आप लोगों को सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, इजी जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। देन इसको आप लोग ओपन करोगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, तब दोस्तों आपके सामने कुछ इस पर जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो इसको रिकॉर्ड करना, जैसे आप लोग वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहें तो देखो आप लोग रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग सिंपली से ये माइक वाले पर क्लिक कर देना, और यहाँ से जो आपकी वॉइस है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब दोस्तों इसको मतलब कि रोकना है तो यहाँ पर सिंपली जो मतलब कि इस प्रकार से कर देना और ये जो वॉइस है आपकी रुक जाएगी, ठीक है। कुछ प्रकार से आप लोग इसको मतलब कि रिकॉर्ड कर सकते हैं और सिंपली से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आप लोग कैसे अपने जो है वॉइस को रिकॉर्ड करोगे फोन से, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई इस रिकॉर्डर का आप लोग यूज कर सकते हैं, बट अब बात आती है कि आप लोग कैसे अब अपने फोन से रिकॉर्ड करोगे। तो जब मैं शुरुआत में वीडियोज को बनाया कर रहे थे तब दोस्तों मेरे पास भी माइक नहीं था, ठीक है। तब दोस्तों मैं किसी दोस्त से यहाँ पर जो फोन को मांग करके वॉइस को मतलब कि इस वाले फोन जैसे दूसरे वाले फोन अपने दोस्त वाले फोन में रिकॉर्ड किया करता था, और एक से वीडियो को शूट किया करता था। देखो किस प्रकार से किया करता था, देखो आपके पास, देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास माइक की व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले आपको ये जो जेब यहाँ पर होता है ना उस वॉइस हेडसेट का प्रयोग करना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग को बता दूँ कि अपने जो है जैसे आप लोग वॉइस ओवर करते हैं उनको, वॉइस ओवर करने वालों को लिए बता दूँ कि वॉइस को जब आप लोग रिकॉर्ड करो ना तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आज की सुबह में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो आप लोगों को सिंपली से ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई वॉइस के साथ साथ आपकी आवाज़ के साथ साथ मतलब हवा भी आती है, ठीक है, हवा भी आती है। अगर ऐसे करोगे तो भाई हवा साथ में फुर फुर वाली जो आती है ना खर खर वाली, तो भाई वो भी इसमें घुस जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो वॉइस है ना बिल्कुल खराब बोरिंग टाइप में लगेगी। तो आप लोग कैसे रिकॉर्ड करना है, देखो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे
कि सीधा जो ऐसे जाए और घूम करके वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई आपकी जो वॉइस है तो भाई वो सामने जाएगी, मतलब कि जो हवा होगी वो सामने चली जाएगी और वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आपको ऐसे सामने रिकॉर्ड नहीं करना है, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो बात आती है कि जैसे कोई जैसे मतलब कि फेस कैम वीडियोज बनाता है तो भाई ऐसे वो करता है। हेलो दोस्तों, आज की सुबह आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये फ़ोन को लिए रहता है ऐसे जो है वॉइस ओवर करता है, तब दोस्तों यहाँ पर जो खर खर की आवाज़ आती है क्योंकि फ़ोन इसका हाल्टर उल्टा रहता है। तो देखो उनको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके पास जेब तो हो गई, इस वॉइस आइटम मेरे नहीं है, बट आपके पास जेब तो हो गई तो आप लोग सिंपली जेब में डाल लेना फ़ोन, ताकि कुछ ना हो आपका फ़ोन, और आप लोग सिंपली जो इस हाथ को चलाते रहें और सिंपली से बोलते रहें। और ऐसे डालना है ये जो माइक होता है ना ये वाला, तो इस माइक के हिसाब से डालना है कि इसको माइक को नीचे ही दबा देना है, ऊपर माइक रहे, कुछ प्रकार से आप लोगों को डालना है ताकि जो वॉइस आपकी प्रोफेशनली रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कॉमेडी वाले जैसे मतलब कि कॉमेडी वाले वीडियोज बनाते हैं, स्टोरी टाइप वीडियोज बनाते हैं, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो अगर आपके पास माइक है कोई, तो अपने दोस्त को कह दो कि जैसे एक डंडा होता है ऊपर से पकड़े रहे, जैसे मैं यहाँ पर जो है मेरा रोल है तो पीछे से पकड़े रहे ताकि कैमरे रोल में ना आ जाए, मतलब कैमरा में ना आए, कुछ प्रकार से ऊपर टांगे रहे और मैं ताकि जो है जो भी मेरा चीज़ें हैं मैं बोलता रहूँ। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अभी उनके पास माइक नहीं है, उन्होंने मोबाइल से स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बन चुके हैं, ठीक है। और अभी भी काफ़ी ऐसे लोग जो अभी माइक से जो है कुछ प्रकार जो स्टोरी टाइप की वीडियोज बनाते हैं। देखो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से जो प्रयोग करना है, माइक जैसे पहले वॉइस रिकॉर्डर चालू कर लेना है, जिस प्रकार से जेब में डाल लेना है, ठीक है, उसी प्रकार से और अपने एक्शन को बोलते चले जाना है। और ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोज को शूट किया हुआ है, मतलब जैसे वो चीज़ें होती है ना, मतलब कि स्टोरी टाइप की वीडियो होती हैं, मैंने भी उनमें काम किया, ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूज करते थे और आज भी वो लोग वीडियोज बनाते हैं, तो इसी प्रकार से यूज करते हैं, उनके पास कोई भी माइक नहीं है। मैं तो अभी काम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ गांव, जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मैं मतलब कि उनके साथ काम किया करता था, बट अभी काम नहीं करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यूज ही करते थे और अच्छी वॉइस आती थी, तो आप लोग कुछ प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हैं, कुछ प्रकार से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी प्रोफेशनली वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। एंड अगर आप लोग रिकॉर्ड करने के साथ साथ एडिट भी करना चाहो तो भाई मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग आई बटन से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो गरु आवाज़ होती है या फिर पतली आवाज़ होती है या फिर ईगो वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा वीडियो और आप लोग अपनी वॉइस को एडिट कर लीजिएगा। सो आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भाई एक चीज़ आप लोगों को लास्ट में बताना भूल गया हूँ कि अगर आपके पास माइक भी है ना, तो माइक भी काफ़ी लोग गलती करते हैं कि भाई ऐसे हाथ में लेकर के बोलते हैं। दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, हाथ में लेकर के भाई पीली नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर कलर पर सेट कर लेना, ताकि जो है देखो पहले अगर आप लोग पास में लेकर के बोलोगे तो भाई वॉइस के साथ साथ जो खरखर की आवाज़ है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आपकी जो वॉइस है ना बिल्कुल बोरिंग टाइप में लगती है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान में जरूर रखनी है, अपने कलर में लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कि ये चीजें लगा सकते हैं ताकि जो है आपकी जो है आवाज घूम करके रिकॉर्ड हो, ठीक है, वॉइस आराम से रिकॉर्ड हो जाए और आपकी जो सरसराने वाली फरफराने वाली आवाज है वो सामने निकल जाए। सो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आप लोग कैसे अपनी वॉइस को बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनली। सो आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।